हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में साइंस के ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एलसीएम। जैसे हम यहाँ पे एलसीएम का एक क्वेश्चन लेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री माइनस का टू इंटू एक्स माइनस टू अपॉन फोर इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री अपॉन टू। आइए दोस्तों, हम इसको एलसीएम के द्वारा सॉल्व करेंगे। पहले हम पहले के दो पदों को देखेंगे और उनमें लास्ट नीचे के जो उसके डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लेने के लिए हमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो इसके ब्रैकेट लगा के इसके बाहर हम 4 लिखेंगे और इस पूरे में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 4 3 जा 12 इज इक्वल टू हमारा लास्ट का फंक्शन अभी ऐसा ही रहेगा। अब हम इस 4 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर दोनों फंक्शनों में करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई से होगा तो 4x और 1 से होगा तो 4। ऐसे हम दूसरे पद में इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 इंटू 2 और अंदर का x माइनस 2 अभी ऐसा ही रहेगा। और नीचे इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 12 इजिकल टू हमारा 4 माइनस 3। कुछ देर के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे आता है 4x माइनस 4 माइनस का 3 इंटू 2 हमारा हो गया 6 और x माइनस 2 अपॉन 12 इजिकल टू 4 माइनस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे हम 4x माइनस 4 और इस माइनस 6 का मल्टीप्लाई इस x माइनस 2 के अंदर करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस और प्लस, तो माइनस हो गए तो यहाँ पे 6x आएगा और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाते हैं और 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा अपॉन 12 जो इसका एलसीएम है इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। दोस्तों, ये हमारा इतना सॉल्व होने के बाद अब हम जो बराबर के बाद पद है उसका उसके हर का मल्टीप्लाई इसके साथ और इस 12 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4x माइनस 4 माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 12। पहले हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे, x वाले फंक्शन को x वाले फंक्शन के साथ और बिना x वाले फंक्शन को बिना x वाले के साथ। 4x में से माइनस 6 होगा तो इसका आंसर माइनस 2x आएगा और माइनस 4 प्लस 12 करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 12। अब इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों पदों में करेंगे, माइनस 4x और 8 2 जाए होता है हमारा 16 इज इक्वल टू 12। अब x वाले फंक्शन को हम बिना रखेंगे और बिना x वाले को इज इक्वल टू के पार भेजेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 12 अपॉन 16। अब इसको आगे की ओर सॉल्व करते हुए हमारा आता है माइनस 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 16। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 12 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है माइनस का 4। अब हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। x का मान होता है माइनस 4 अपॉन जो हमारे x के साथ उसका गुणन लगा होगा उसको हम उसके डिवाइडर में भेजेंगे और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 1 बार कैंसिल होगा तो इसका आंसर आएगा x बराबर 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन 1 आपस में कैंसिल होने के बाद आता है 1। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे x का मान आया 1। दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस मैथ साइंस का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन जरूर बजाएं जिससे हमारे आने वाले अगले वीडियो आपको तुरंत मिल जाएं। थैंक यू।